Morning children, today I am going to teach you a new chapter in history. The name of the chapter is Tracing Changes Through 1000 Years. Now we come to first paragraph. Two maps are given, map 1 and map 2. The first map was made by Arab geographer El-Edrisi and the second map was made by French cartographer in 1720. तो जो फर्स्ट मैप था जो एल एद्रिसी ने बनाया था उसने जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो सदर्न पार्ट है उसको नॉर्थ में दिखा रखा है और जो फ्रेंच कैटोग्राफर ने जो सेकंड मैप बनाया था उसने उसने इंडिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बिल्कुल वैसे ही दिखाया जैसे वो आज है. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज. व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स मैप्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट दे हैव टू बी वेरी सेंसिटिव टू डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. जब हिस्टोरियंस इन जो मैप्स और जो डॉक्यूमेंट्स की जब वो स्टडी करते हैं तो उनको इनके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं उसको ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि ये कई बार ये चीज़ें डिफरेंट होती है. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेज विच हैव चेंज ओवर द ईयर. जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होते हैं कई लैंग्वेजेज में अवेलेबल होते हैं जो चेंज होते रहते हैं जैसे मेडिवल पर्शियन है वो मॉडर्न पर्शियन से डिफरेंट है. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जांपल. तो जो हिंदुस्तान है जिसे हम इंडियन कहते हैं तो 13th सेंचुरी में जो हिस्टोरियन था जो पर्शियन में लिखता था मिनहाज आए सिराज उसने इसको हिंदुस्तान को इस तरीके से डिस्क्राइब किया था द एरिया कवरिंग पंजाब हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना. इसके कंपैरिजन में जो बाबर था उसने हिंदुस्तान को इस तरीके से डिस्क्राइब किया था द ज्योग्राफी ऑफ द फौना एंड द कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन सब कॉन्टिनेंट. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज बिकॉज दे मेंट डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट. जो हिस्टोरियंस को है बड़े केयरफुल होना पड़ता है क्योंकि जो टर्म्स होते हैं उनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं. फॉर एग्जांपल जो फॉरनर है जो आज के दिन जिसे हम फॉरनर कहते हैं वो होता है जो इंडिया का नहीं होता जो बाहर का होता है. लेकिन पास्ट में जो फॉरनर होता था उसका मीनिंग कुछ और होता था. जैसे फॉरनर था जैसे कोई विलेज में अजनबी आ गया तो जो विलेज को बिलोंग नहीं करता दैट पर्सन वॉज कॉल्ड अ फॉरनर. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. एंड देयर सोर्सेज. Historians use different types of sources to learn about past depending upon the period of their study and nature of their investigation. जो historians हैं उनको different types of sources use करने पड़ते हैं past के बारे में बताने के लिए. जो ancient times में जो sources होते थे वो ज़्यादातर coins, inscription and architecture होते थे लेकिन जो उनके जो written records होते थे वो बहुत कम होते थे. लेकिन जो medieval history के बारे में जो records होते थे उनमें कॉइन इंस्क्रिप्शन एंड आर्किटेक्चर के अलावा रिटन रिकॉर्ड्स ज़्यादा होते थे क्योंकि इस टाइम पे जो पेपर था वो चीप हो गया था तो लोगों ने फिर मैनुस्क्रिप्ट लिखने स्टार्ट कर दिए. तो जो मैनुस्क्रिप्ट जो लिखे जाते थे वो ज़्यादातर किंग्स एंड उनकी लाइफ के बारे में लिखे जाते थे और रिलीजन के बारे में लिखा जाया करते थे. अब जो ये मैनुस्क्रिप्ट होते थे ये ज़्यादातर वेल्दी लोग इनको ख़रीदा करते थे और ये इनको फिर लाइब्रेरीज और म्यूजियम्स में इनको आर्काइव्स में इनको प्रिजर्व करके रखा जाता था. तो ये जो डॉक्यूमेंट्स होते थे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें पास्ट के बारे में. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. नाउ देर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज सो स्क्राइब्स कॉपीड मैनुस्क्रिप्ट बाय हैंड. एज स्क्राइब्स कॉपीड मैनुस्क्रिप्ट दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस अ वर्ड हियर एंड देयर. दीज स्मॉल चेंजेस ग्रू ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग अंटिल मैनुस्क्रिप्ट्स ऑफ सेम टेक्स्ट बिकेम सब्सटैंशली डिफरेंट फ्रॉम अनदर. अब जो उन दिनों प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी तो जो स्क्राइब्स होते थे इन मैनुस्क्रिप्ट को कॉपी किया करते थे. अब जब वो कॉपी करते थे तो उसमें कुछ कई चेंजेस इसमें ले आते थे कुछ वर्ड्स में चेंज आते थे कुछ सेंटेंसेस में चेंज आते थे. और जब ये जो सेंटेंसेज जो वर्ड्स हैं ये फिर धीरे धीरे करके ये ईयर्स गुजरते हुए ये बढ़ जाते थे तो बाद में जो मैनुस्क्रिप्ट में है इसमें बहुत सब्सटेंशियल चेंज आते थे. इसके बाद में क्या होता था इसका जो पूरा मीनिंग है वो चेंज हो जाता था. तो हिस्टोरियंस को बड़ी प्रॉब्लम होती थी जब वो स्टडी करते थे तो ये उनको गैस करना पड़ता था कि सही इन्फॉर्मेशन क्या है. नाउ वी मूव टू अनदर पैराग्राफ. एंड न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स.
द स्टडी ऑफ 1000 ईयर्स बिटवीन 1700 and 1750 इज अ चैलेंज टू हिस्टोरियंस बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट दैट अकर्ड ओवर दिस पीरियड. तो जो 1700 and 1750 के बीच में जो पीरियड है ये हिस्टोरियंस के लिए बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि इस टाइम पे कई डेवलपमेंट हुए थे यहाँ पे, जैसे टेक्नोलॉजी में यहाँ पे चेंजेस आए, इसके अलावा फूड में यहाँ पे चेंजेस आए, इसके अलावा आइडियाज़ जो बाहर से लोग आए उनमें चेंजेस आए. तो सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी में था, पर्शियन व्हील का यूज़ होने लगा इरिगेशन में, स्पिनिंग व्हील का यूज़ होने लगा वीविंग में, इसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स आए, बेवरेजेस आए, पोटैटोज़ आए, कॉर्न्स आए, टी आए, कॉफ़ी आए, इसके अलावा लोग अपने आइडियाज़ लाए यहाँ पे. सो ऑल इन सारी चीज़ों की वजह से इंडिया में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस आए यहाँ पे. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. नाउ दिस वाज अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो इस पीरियड, ये जो पीरियड है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, क्योंकि लोग थे, ट्रैवल करते थे, दूर काम ढूंढने के लिए दूर दूर जाते थे. अब इस टाइम पे जो ग्रुप है जो बहुत इम्पोर्टेंस में आया वो था राजपूत. तो राजपूत वर द ग्रुप ऑफ वॉरियर जो क्लेम करते थे कि दे बिलोंग टू क्षत्रिय कास्ट. कम टू नेक्स्ट पेज. नाउ राजपूत वर नोन फॉर देयर ब्रेवरी. इसके अलावा जो और जो ग्रुप ऑफ पीपल इस टाइम पे इम्पोर्टेंस में आया हुआ, तो मराठा, सिख, जाट्स, अहोम्स. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. थ्रू आउट द पीरियड देर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, अ चेंज फास्टर एंड मोर कम्प्लीट देन सम एरियाज देन इन अदर्स. अब इस पीरियड में अब जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर किए जाने लगा, और उसको फिर एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाने लगा. और इसके बाद जो यहाँ के जो लोकल इन्हेबिटेंट्स थे, कुछ तो भाग गए, लेकिन कुछ जो थे उन्होंने फार्मिंग शुरू कर दी. और जब वो फार्मिंग शुरू कर दी तो फिर उनको वो फिर मेन स्ट्रीम सोसाइटी में शामिल हो गए. और जब मेन स्ट्रीम सोसाइटी में शामिल हो गए तो फिर उनको टैक्स देना पड़ता था. अब क्या हुआ, अब इनको जो जातीज़ थी पहले, अब वो सब जातीज़, जब सब जातीज़ हो गई, अब इनको जातीज़ के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग देने दी गई उनके बैकग्राउंड के हिसाब से. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. जातीज़ फ्रेम दे ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ दे मेंबर्स. अब जो जातीज़ थी वो रूल्स एंड रेगुलेशन, ये जो एल्डर्स होते थे जातीज़ के, वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे ताकि जो इनके जो मेंबर्स है उसको फॉलो कर सकें. लेकिन जो जातीज़ के जो मेंबर्स हैं उनको जाति पंचायत के रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता था. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. रीजन एंड एम्पायर. लार्ज स्टेट्स लाइक चोलाज, तुगलक्स एंड मुगल्स एनकम्पास मैनी रीजन. जो बड़े बड़े डायनेस्टीज थी उनके जो उनका जो एरिया था वो बहुत बड़ा हुआ करता था. जैसे ग्यासुद्दीन बलबन है, इसका जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा था. हिज एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम अफगानिस्तान टू बंगाल एंड द एंटायर साउथ इंडिया. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज. When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states. और जब मुगल एम्पायर 18th सेंचुरी में डिक्लाइन हुआ तो उस टाइम पे कई स्टेट्स ने अपने को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया. तो जो ये स्टेट्स जो इमर्ज होके आए थे, इन्होंने मुगल्स की जो लेगेसी थी उसको बनाए रखा. अब जब ये जो मुगल्स का जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस था, स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट था, उनकी जो लैंग्वेज थी, ये जो इमर्ज होके स्टेट्स आए थे, इन्होंने इसको अपने गवर्नेंस में, अपने रूल के टाइम पे इसको अपनाया. नाउ वी मूव टू अनदर पैराग्राफ. ओल्ड एंड न्यू रिलीजन. द 1000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री दैट वी एक्सप्लोरिंग विटनेस मेजर डेवलपमेंट इन रिलीजियस ट्रेडिशन. इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड द इम्पॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन हिंदुज़म. अब जो पिछले हज़ार सालों में है इंडिया में, उसमें रिलीजन में कई चेंजेस आए. जैसे हिंदुज़म रिलीजन है, उसमें चेंजेस आए. अब यहाँ पे नई देवी देवताओं की पूजा होने लगी, नए टेम्पल्स बनाए जाने लगे, जो ब्राह्मण थे इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई. तो जो उनको जो संस्कृत का ज्ञान होता था उससे उनको उनकी जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट है वो बढ़ गई. वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज इमरजेंस ऑफ भक्ति. तो इस टाइम पे एक जो मेजर डेवलपमेंट हुआ वो है जो भक्ति है वो इमर्ज होके आया. अब इसका आइडिया ये है कि इसमें इफ़ अ पर्सन कैन अटेन गॉड विदाउट एनी प्रीस्ट और रिचुअल्स. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज. दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड वेन न्यू रिलीजन अपेयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. तो ये ऐसा टाइम था जब नए रिलीजन यहाँ पे आने लगे. तो जो मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स थे, दे ब्रॉट टीचिंग्स ऑफ कुरान इन इंडिया. तो इन दिस वे
the Islam was introduced in India. About time and historical period. Historians do not see time just as passing of hours, days or years. तो हिस्टोरियंस है टाइम को जस्ट एक पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर्स नहीं मानते। वो इस टाइम पे जो सोसाइटी में, इकोनॉमी में या जो आइडियाज़ है, जो लोगों के जो बिलीव्स हैं, उसमें जो चेंजेस आए हैं, वो उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइडेड हिस्ट्री इंटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। लेकिन जो ये डिवीज़न है जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने दिया, वो सही नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे और रिलीजन भी इंडिया में एग्जिस्ट करते थे। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज। द हिस्ट्री यू रेड लास्ट ईयर इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटी, हंटर गैदर, फार्मर्स, पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड एम्पायर्स एंड किंगडम। तो जो लास्ट ईयर में जो हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, उसमें ज़्यादातर हमने हंटर गैदर्स के बारे में पढ़ा था, फार्मर्स के बारे में पढ़ा था, इसके अलावा हमने जो लोग टाउन्स एंड विलेजेस में रहते हैं उनके बारे में पढ़ा था, इसके अलावा हमने किंगडम्स के बारे में पढ़ा था। लेकिन जो इस साल जो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, वो ज़्यादातर हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, जो मेजर रिलीजन है हिंदुज़म, इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जो यहाँ पे आए इंडिया में, उसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। ड्यूरिंग दीज 1000 ईयर्स द सोसाइटीज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट वो ट्रांसफॉर्म ऑफन एंड इकोनॉमीज इन सेवरल रीजन रीच द लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी दैट अट्रैक्टेड इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। तो पिछले 1000 सालों में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया। अब इसमें कुछ इकोनॉमीज थी वो इतनी रिच हुई कि उन्होंने यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को यहाँ पे इंडिया में अट्रैक्ट किया। सो दिस एंड माई चैप्टर। थैंक यू।